नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार प्रजापति SSS-Point में आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो में ज्योमेट्री में त्रिभुज पर पार्ट वन ये वीडियो का है, जिसमें हम लोग त्रिभुज की उन चीजों की बात करेंगे, पहले कि त्रिभुज बनता कैसे है, बनने के लिए त्रिभुज की शर्तें क्या है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज की बनने की शर्तें क्या है, क्या कोई भी तीन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, क्या कोई भी तीन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, या क्या कोई भी कोण दिया हो तीन तो त्रिभुज बनेगा, तो ये जानेंगे कि त्रिभुज बनने की शर्तें क्या है और इन प्रश्नों का जवाब भी जानेंगे। फिर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। तो ये मुख्य बातें हैं जिनको सीखना है कि त्रिभुज बनने की सबसे स्ट्रांग शर्त क्या है। अगर वो नहीं रहेगी तो तीन भुजाओं के होते हुए भी त्रिभुज नहीं बन सकता, तीन कोणों के होते हुए भी त्रिभुज नहीं बन सकता। तो इन शर्तों के साथ साथ त्रिभुज के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज कितने तरीके के संभव हैं, कितने तरीके के त्रिभुज होते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके डिटेल चर्चा करते हैं। चर्चा का मुख्य बिंदु जो पहले रहेगा कि त्रिभुज की परिभाषा क्या हो, तो हम लोग त्रिभुज की डिफिनेशन देखेंगे। परिभाषा, तो किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल में, यानी कोई अगर प्लेन है, उस प्लेन में तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी रहेगी, ए बी सी, जिसे मान लीजिए कि ये तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए, इनसे घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। या तीन भुजाओं से बद्ध आकृति को, तीन भुजाओं से जो आकृति बंद होगी, क्लोज होगी, उसको त्रिभुज कहेंगे। ये तो त्रिभुज की बात है। अब हम लोगों को ये कहना है कि ये जो तीन भुजाएं हैं, इनका आपस में क्या संबंध होगा कि ये त्रिभुज बना सकेंगे। तो वो सबसे स्ट्रांग शर्त है त्रिभुज बनने के लिए। तो वो शर्त क्या है, आइए देखते हैं। इसमें शर्त नंबर पहला, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। या इसी बात को दूसरे तरीके से, कोई भी
दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए या कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ये मुख्य शर्त है। इसको दो कह लीजिए या एक कह लीजिए, दोनों में से कोई एक बात अगर सही है तभी त्रिभुज बनेगा तीन भुजाओं से, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ये एक भुजा का सेट दिया हुआ है जिसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के हैं। अब इनसे ये देखना है कि इनसे त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा हमने ये जो 5 सेंटीमीटर है इतना लंबा हमने एक भुजा खींच दिया, इसके दूसरी तरफ 2 सेंटीमीटर लंबा हमने भुजा खींचा, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर यहां से यहां, और इधर हमने 3 सेंटीमीटर लंबा भुजा खींचा। ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हमने भुजा खींच लिया। अब ये जो दो भुजाएं हैं इनको हम उठा करके मिलाएंगे, जब मिलाएंगे कहीं तभी ये त्रिभुज बनेगा। अब जब इनको उठाकर हम लाएंगे तो इन दोनों का ये योग जो है, दोनों का जो सम है वो 5 के ही बराबर है। इसका मतलब कि ये भुजा, देखिए ये 2 इसी पर आ जाएगी और 3 इसी पर आ जाएगी, यहां पर ये दोनों मिलेंगी। तो जब ये दोनों एग्जैक्ट 5 के ही बराबर होंगी, इनका योग अगर एग्जैक्ट 5 के बराबर होगा तब ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, तब तो ये 2 रेखाएं हो गई, एक रेखा नीचे काली वाली, उसके ऊपर 2 रेखाओं का मिल करके एक रेखा रेड वाली। जबकि त्रिभुज बनने के लिए कम से कम यहां पर कोण कोई बनना चाहिए दोनों तरफ, और यहाँ ये रेखा कोई न कोई इस रेखा से, जो लेटी वाली रेखा है, जो 5 सेंटीमीटर रेखा है, ये रेखा उससे कोई न कोई कोण बनाए, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होता है, यहाँ तो सिर्फ कोण बन ही नहीं रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए 3 भुजा होना जरूरी नहीं है। इन भुजाओं का शर्त अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी 2 भुजाओं का योग यानी 2 धन 3 बराबर 5, ये जो तीसरी भुजा है इससे बड़ा होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि इसके बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज बन नहीं पाएगा। अगर 2, 3, 5 ये भुजाएं दी हो तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। इनको आप लेंगे 3 धन 5 तो ये 8 हो रहा है, 8 2 से बड़ा है, 2 और 5 ले लीजिए, 2 और 5 ये 7 हो रहा है, ये भी 3 से बड़ा है। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी 2 भुजा के लिए ये बात पूरी होनी चाहिए। तो इसमें से एक जो सेट हमने लिया 2 और 3 का, ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, ये ग्रेटर ना होकर बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये त्रिभुज इन भुजाओं से मिलकर नहीं बन सकता। अब एक सेट हम ये लेते हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5 हमने सेट लिया। आइए इसको टेस्ट करते हैं कि क्या इस सेट से, यानी ये जो 3 भुजाएं हैं 3, 4, 5, इनसे कोई त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो देखिए इन दोनों का हम ले लिए, 3 और 4 को जोड़े तो 7 आया, और 7 5 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है। इसी तरह से 4 और 5 को जोड़े तो 9 आया, और 9 3 से बड़ा है। इसी तरह से 3 और 5 को जोड़े तो 8 आया, और 8 4 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये सेट त्रिभुज बना रहा है, ये तीनों शर्तें, यानी कोई भी 2 भुजा को लेकर के इसमें जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो सब पूरी पूरी की पूरी यहाँ पूर्ण हो रही है, फॉलो हो रही है। अब जो अंतर वाली बात है वो भी देख लेते हैं। अंतर वाले में ये कहा कि कोई भी 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो देखिए 4 माइनस 3 बराबर 1, और ये 1 जो है 5 से छोटा है। इसी तरह से 5 माइनस 3
ये दो होगा, दो चार से छोटा है, इसी तरह से पांच माइनस चार ये एक होगा और एक तीन से छोटा है। तो दोनों में से कोई एक शर्त मैंने आपको बताया कि या तो त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो या त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो, तब वो त्रिभुज बन जाएगा। और अब त्रिभुज ये बन गए तो त्रिभुज बनने की जो मुख्य शर्त थी वो ये थी कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी रख दीजिए। अब हम लोग इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, ए बी धन बी सी यानी ये भुजा और ये भुजा का योग ए सी से बड़ा होगा, यानी इस भुजा से बड़ा होगा। इसी तरह से हमने इस भुजा को और इस भुजा को लिया है, अब हम इस भुजा और इस भुजा को लेते हैं दूसरे नंबर पर, तो बी सी धन ए सी इनका योग ए बी के बराबर होगा। इसी तरह से अब हम इस भुजा और इस भुजा को लेते हैं ये तीसरे नंबर पर, तो ए सी धन ए बी ये बी सी से बड़ा होगा। या इसी को हम लोग अंतर वाली स्थिति में देखें, निगेटिव वाली स्थिति में, कि ए बी माइनस बी सी लेस देन ए सी होगा, बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी होगा और ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी होगा। तो अंतर वाले की स्थिति में यानी डिफरेंस की स्थिति में और सम की स्थिति में दोनों कंडीशन गणित की भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसी लिखी जा सकती है। तो ये तो हम लोग ये जान गए कि कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की भुजाएं इन शर्तों को पूरा करें। अब देखिए अगर कोई त्रिभुज बन गया है, अगर कोई त्रिभुज निर्मित है, ये कहा जा रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, अगर ये कहा जा रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका मतलब कि त्रिभुज के ये वाली सब शर्तें पूरी हो रही हैं। ये तभी त्रिभुज बना होगा जब इन शर्तों को पूरा कर रहा है। तो अगर कोई त्रिभुज बना है और कहा जा रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तब ये दोनों शर्तें उस त्रिभुज के लिए पूरी हुए, पूरी होगी तभी ये बनेगा। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि त्रिभुज तो चलिए बन गया, त्रिभुज बन गया, अब त्रिभुज होता कितने प्रकार का है। त्रिभुज तो बन गया तो त्रिभुज में देखिए अंग्रेजी वाले में ट्राई मीन्स होता है तीन और एंगल मीन्स कोण, जो इंग्लिश का जो ये शब्द है ट्रेंगिल उसमें दो शब्द जुड़े हैं, ट्राई माने तीन, एंगल माने कोण। और इसी तरह से हिंदी में आप देखिए त्रि माने होता है तीन और भुज माने भुजा। तो यहां दो चीजें देखिए, तीन तो दोनों में कॉमन है, तीन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर कोण आ रहा है और यहां पर भुजा आ रही है। इसका अर्थ क्या है कि दोनों तरीके से त्रिभुज बनते हैं, यानी कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों के नाम। तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो तीन हैं और कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है वो भी तीन है। तो इन तीनों के नाम क्या है, तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसके स्केलिनी ट्रायंगल, स्केलिनी ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में आइसोसिलिस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसिलिस ट्रायंगल। और तीसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु माने जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कोणों के आधार पर देखिए, कोणों के आधार पर जो सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है सम कोण त्रिभुज
और तीसरा है अभिकोण त्रिभुज। ये कुल मिलाकर के तीन कोणों के आधार पर और तीन भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो कुल छह प्रकार के त्रिभुज हुए, कुल छह प्रकार के त्रिभुज हुए। अब इनको हम लोग चित्रों के द्वारा भी देखेंगे कि ये चित्र, इन चित्र में ये कैसे दिखते हैं, अगर इनको पिक्चराइज किया जाए, इनका इमेज बनाया जाए तो वो कैसे दिखेंगे। तो पहले कोणों के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज में पहला है न्यून कोण त्रिभुज, अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इसमें क्या है कि जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, जिसके सभी अंतः कोण 90 डिग्री से छोटे हों, एक्यूट एंगल में सभी अंतः कोण जो हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यह त्रिभुज ऐसे दिखेगा आपको ए बी सी। अगर मान लीजिए कि ये कोण 70 डिग्री हो, ये 80 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, देखिए ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं और इन तीनों कोणों का जो योग है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री का होता है। इन तीनों कोणों का योग आप जो करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 180 के बराबर आ रहा है। इनको जो इस त्रिभुज के अंदर है इनको अंतः कोण कहते हैं, यानी इंटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या है, जो त्रिभुज के बाहर बनता है, जैसे ये जो बिंदु सी है, सी के अंदर ये 30 डिग्री का इंटीरियर एंगल है और इसके बाहर ये जो कोण बनेगा 150 डिग्री का, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन पूरे दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम इधर देखें तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये 100 डिग्री के बराबर है, और इसको हम इधर कर दें तो ये जो कोण है ये 110 डिग्री के बराबर है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल त्रिभुज के बाहर होते हैं और इंटीरियर एंगल त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, बाह्य कोणों का जो योग है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए 100 धन 110 धन 150 ये 360 डिग्री के बराबर है। तो बाह्य कोणों का जो योग है, बाह्य कोणों का जो सम है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है एक त्रिभुज में, और अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में सभी तीनों कोण जो अंदर के हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब आइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। और उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण तो 90 होगा, लेकिन जो दो शेष कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं और उन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जिसे मान लीजिए कि ये हमने एक कोण बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी। इस त्रिभुज में एक कोण ये 90 डिग्री का है, शेष दो जो कोण है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का हो जाए और ये 30 डिग्री का,
ये जो दो कोण जो है 60 और 30 ये न्यून कोण है और इनका योग भी 90 के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो शेष दो कोण है उनका योग 90 के बराबर होता है, यानी वो दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। आइए अब अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक तो ये अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, जिसको अंग्रेजी में आप ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं, इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो जो शेष दो कोण बचे हैं उनका योग 90 से छोटा होना चाहिए। शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर एक कोण 90 से बड़ा हो गया तो शेष दो कोण बचे हैं उनको 90 से छोटा होना पड़ेगा उनका योग। तो देखिए ये त्रिभुज कैसे बनता है, ये ए बी सी, अगर ये कोण 120 डिग्री का है और इसको हम 60 डिग्री का कहें, 40 डिग्री का कहें, तो ये कोण कितने डिग्री का हो, 20 डिग्री का। अगर ये बड़ा वाला कोण 90 से बड़ा है, देखिए 90 से बड़ा है क्योंकि 120 डिग्री का है, तो ये जो शेष दो कोण बच गए ये और ये वाले कोण, इन दोनों का योग 90 डिग्री से छोटा है। आप देख सकते हैं कि 40 धन 20 इनका जो सम है वो 90 डिग्री से छोटा है, और जो ये कोण भी है इसका योग, अरे ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये तो कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज हो गए। अब हम लोग भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज की चर्चा करेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन तरह के हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखे थे विषमभाव त्रिभुज। अंग्रेजी में इसको स्केलेनी ट्रायंगल बोलते हैं। विषमभाव माने कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज ये ले लिए, इसको 8 कर दिए, इसको 10 कर दिए, इसको 12 कर दिए, 8, 10, 12, ये तो आप देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं इसकी अलग हैं, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है। एक 8 है, एक 10 है, एक 12 है, इसमें कोई ऐसी भुजा नहीं है जो एक दूसरे के सेम हो। तो जो विषमभाव त्रिभुज होते हैं उनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और वो इस तरह से दिखते हैं। अब इसमें दूसरा नंबर पर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसको अंग्रेजी में आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल इसमें खास बात क्या है कि इसमें कोई दो भुजा बराबर होती है, कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल हमने बना दिया ए बी सी, तो ये भुजा ए बी और ए सी बराबर हैं, तो ये ऐसी दिखेंगे। अब देखिए क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, जब भुजाएं बराबर हो गई तो इनके कोण बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाते हैं,
बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, बड़ी भुजा बड़ा कोण बनाती है, छोटी भुजा छोटा कोण बनाती है। तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, ये यहां पर कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में, अगर ये भुजा बराबर हो गई तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। जैसे ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा, ये अलग होगा, ये इसका वाई डिग्री होगा, ये अलग कोण होगा, लेकिन ये दो भुजा चुकी बराबर है तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो समद्विभाव में कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए तो वो समद्विभाव हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब आते हैं समभाव, समबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल इसमें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, इसकी तीनों भुजाएं और तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं एवं तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये इसका पिक्चराइज किया जाए, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इनके जो तीनों कोण हैं, अंतः तीनों कोण जो हैं, वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण अगर बराबर हैं, तो तीनों का योग 60 डिग्री होगा, तो तीनों कोण यहां पर बराबर होते हैं, वो 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। नोट करके लिख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब इसमें दो और मुख्य बातें हम लोग करेंगे, उसके बाद ये वीडियो आज के लिए बंद होगा और कल इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। तो दो मुख्य बातें क्या हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटी भुजा के सामने छोटा कोण बनता है। किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण तथा छोटी भुजा के सामने छोटा कोण बनता है, ये तो पहला। दूसरा इसी का उलट है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा तथा छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है। और तीसरा है कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो ये मुख्य बातें रही। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे कि अगर आपको तीन भुजाएं दी हो और वो त्रिभुज बना रही, तब ये बताना होगा कि उन तीन भुजाओं से न्यून कोण त्रिभुज बनेगा कि सम कोण त्रिभुज बनेगा कि अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, और उस पर और कितने तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं, या कोण की शर्तें दी हों तो उन शर्तों से हम कैसे त्रिभुज की पहचान करेंगे,
तो कल हम लोग त्रिभुज के पार्ट टू में इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।